बड़ा मजा आता रहे थे आने को बार बार। तो हॉस्पिटल के बाजू में एक ले लेना घर, एक व्हील चेयर ले ले, आया जूम जूम गया, जूम आया जूम गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल रावल जी मीडिया में एक बार फिर से। दोस्तों अभिषेक बच्चन की मोस्ट टर्ड फिल्म आई वांट टू टॉक जिसे बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए आज 9 दिन हो रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे इस फिल्म के शुरुआती 8 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और 9वें दिन के बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन के बारे में। तो देखते रहिए पूरा वीडियो, मैं आपका दोस्त सुमित के रावल। तो देरी ना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपसे बता दो कि बॉलीवुड की मोस्ट टर्ड फिल्म आई वांट टू टॉक जो की एक फैमिली ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है सुजीत सरकार ने। वहीं दोस्तों इस फिल्म में लीड रोल में देखने को मिल रहा है अभिषेक बच्चन, अहिल्या बामरू, जानी लीवर। वहीं दोस्तों इस फिल्म को 22 नवंबर को रिलीज किया गया जिसे रिलीज हुए आज बॉक्स ऑफिस पर 9 दिन हो रहे। तो बात की इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो यह फिल्म अपने पहले दिन 25 लाख रुपए का, वही पहले हफ्ते से 1,94 लाख रुपए का, 8वें दिन 8 लाख रुपए कलेक्शन कर चुकी। इसके साथ दोस्तों इस फिल्म के शुरुआती 8 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका है 2,02 लाख रुपए का। वही दोस्तों बात करें इस फिल्म के 9वें दिन यानी आज की तो यह आज लगभग 6 करोड़ रुपए कलेक्शन कर रही है। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म के शुरुआती 9 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन हो रहा है 2,08 लाख रुपए का। तो इंडिया ग्रॉस कलेक्शन हो रहा है 2,34 लाख रुपए का। तो वही वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो रहा है 2,44 लाख रुपए का। तो दोस्तों ये थे अभिषेक बच्चन की मोस्ट टर्ड फिल्म आई वांट टू टॉक के शुरुआती 9 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट। तो दोस्तों अगर आपने फिल्म देख लिया तो हमें नीचे कमेंट्स कीजिए कि आपको यह फिल्म कैसी लगी। आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप भी अभिषेक बच्चन को एक बेहतरीन एक्टर मानते तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस फिल्म की आने वाली सभी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।